चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें भी बोलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। हमें एक्सप्रेस करना कैसे, फर्स्ट पार्ट है 64 एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर्स। ठीक है, आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टी की थी कि इसमें हमें अगर एन का स्क्वायर करना है तो रूट हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। जैसे मैंने आपको ठीक एग्जाम्पल दे दिया, आपको थ्री का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, पहले जो तीन ओड नंबर है उनका सम कर दो, 1 + 3 + 5। तो पहले तीन ओड नंबर आ गए, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसमें हम रिवर्स डायरेक्शन में चले थे, तो वो हमें यूज करना है आपके। जैसे फर्स्ट पार्ट है 64 करना है हमें, तो 64 क्या करना है, सम ऑफ 8 ओड नंबर। तो ये क्या होगा, देखो फर्स्ट 8 ओड नंबर से उनको ऐड कर दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 + 15। तो ये आपका क्या आ गया, 64 एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर। इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, इस तरह से करना है क्वेश्चन को। अगर आप इन सबको ऐड भी करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 64 ही आएगा। बी पार्ट पे चलते हैं, 144 हमें कैसे करना है, सम ऑफ 12 ओड नंबर। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 8 को ही होगी 4 और आगे चलना है, +17 + 19 + 21 + 23 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। ठीक है, सी पार्ट पे चलते हैं, 225 एज अ सम ऑफ 15 ओड नंबर। तो चल रहे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 27 sorry 25 + 27 + 29 काउंट करोगे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 29 तक आपको ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9।